दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं पठान मूवी के 28वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के बारे में, साथ ही 29वें दिन की बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस को लेकर क्या रिपोर्ट आई है, इन सारी चीजों को डिटेल्स में कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म ने 1,000 करोड़ का बेंचमार्क क्रॉस कर लिया है, जिसको लेकर एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई है जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें से 498 करोड़ 95 लाख रुपए इंडिया के हिंदी बेल्ट में कमाए हैं, वहीं पर 17 करोड़ 97 लाख रुपए तमिल तेलुगु लैंग्वेज में कमाए हैं एटलीस्ट 27 दिनों के भीतर। 516 करोड़ 92 लाख रुपए इस फिल्म ने ऑल लैंग्वेज मिलाकर इंडिया का नेट कलेक्शन है, वहीं इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन 623 करोड़ रुपए है, वहीं ओवरसीज मार्केट में भी 377 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है एटलीस्ट 27 दिनों के भीतर। और इस तरह से टोटल 1,000 करोड़ रुपए का बिजनेस एटलीस्ट 27 दिनों में ही इस फिल्म ने कर लिया, जिसको लेकर ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुकी है। वहीं बात करते हैं 28वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट को लेकर, तो जिस तरह की कलेक्शंस हुई है जहां आज 28वें दिन, वो तकरीबन बताया जा रहा है कि 1,65,00,000 रुपए का कलेक्शन आया है, जिसमें से 5,00,000 रुपए जहां तमिल तेलुगु लैंग्वेज में भी इस फिल्म ने कलेक्शंस करी है। और इस तरह से टोटल इंडिया का जो नेट कलेक्शन होगा सभी लैंग्वेज मिलाकर वो हो जाएगा 1,70,00,000 रुपए। और अगर हम ग्रॉस कलेक्शंस की बात करें तो ग्रॉस कलेक्शंस इंडिया का हो जाएगा 2,50,000 रुपए, और वहीं पर ओवरसी मार्केट्स में भी 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। तो इस तरह से टोटल 4,50,00,000 का बिजनेस हो जाएगा 28वें दिन। अगर 29वें दिन की कलेक्शंस की बात कर ली जाए तो जिस तरह की इसकी एडवांस बुकिंग हुई है, जिस तरह से एडवांस बुकिंग देखी गई है इस फिल्म को लेकर देश के विभिन्न रीजन्स में और अलग अलग रीजन्स में, उसके मुताबिक इस फिल्म का कलेक्शन इंडिया के हिंदी बेल्ट में होगा 1,20,00,000 रुपए, और वहीं पर 5,00,000 रुपए का कलेक्शन आपको तमिल तेलुगु लैंग्वेज से भी कलेक्शन आ सकता है। तो इस तरह से टोटल 1,25,00,000 का कलेक्शन 29वें दिन देखने को मिलेगा, और इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन 2 करोड़ का होगा, और ओवरसी मार्केट में भी 2 करोड़ रुपए कमाएंगे। तो इस तरह से 4 करोड़ रुपए का इस फिल्म का बिजनेस होगा आज 29वें दिन। वेल, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऑलरेडी जहां हॉलीवुड की काफ़ी बड़ी फिल्म जो कि एंटमैन का तीसरा सिक्वल है, ये फिल्म भी रिलीज हुई है इंडिया में, और आप लोग ये भी जानते होंगे कि शहजादा फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल रन कर रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही फिल्मों का इम्पैक्ट पठान पर पड़ा है। इसके बावजूद भी ये फिल्म मार्वेलस कलेक्शंस कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। और इस तरह से देखा जाए तो इंडिया में टोटल कलेक्शन हो जाएगा हिंदी बेल्ट में 29 दिनों के भीतर 501 करोड़ 80 लाख रुपए, वहीं पर तमिल तेलुगु लैंग्वेज में टोटल कलेक्शंस हो जाएंगे 18 करोड़ 7 लाख रुपए, वहीं पर ऑल लैंग्वेज मिलाकर इंडिया का नेट कलेक्शन हो जाएगा 519 करोड़ 87 लाख रुपए, वहीं पर इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन हो जाएगा 627 करोड़ 50 लाख रुपए, वहीं पर ओवरसी मार्केट में भी 381 करोड़ रुपए का बिजनेस हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 1,008 करोड़ 50 लाख का बिजनेस हो जाएगा इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड 29 दिनों के भीतर। तो दोस्तों जिस रफ्तार से ये फिल्म कलेक्शंस कर रही है उसे देखकर यही कहा जा रहा है कि भाई मार्वेलस कलेक्शंस है। इस तरह का कलेक्शन बॉलीवुड के इतिहास में शायद ही कभी किसी फिल्म के लिए देखा गया हो। वेल, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस रफ्तार से इस फिल्म ने कलेक्शंस करी है और जिस तरह से कलेक्शंस कर रही है, शायद इस फिल्म को अभी भी रोकना काफी नामुमकिन जैसा नजर आ रहा है। फिर सैटरडे संडे के मौके पर काफी बड़ा जंप फिर फिल्म को लेकर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल दो बड़ी फिल्में चल रही हैं बॉक्स ऑफिस पर जो कि पठान के साथ क्लैशी कर रही हैं, जैसे कि कह सकते हैं आप शहजादा फिल्म जो कि कार्तिक आर्यन की फिल्म है, और एक एंटमैन का तीसरा सीक्वल है जो कि हॉलीवुड की फिल्म है। ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर रन कर रही हैं, तो कहीं कहीं इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि एटलीस्ट फिल्म के रिलीज हुए पठान का एटलीस्ट 29 दिन कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं कहीं देखा जाए तो इस तरह के हालात और सिचुएशन को देखकर यही कहा जा रहा है कि भाई पठान को इतने 29 दिनों के बाद भी इस तरह का रिपोर्ट आना, 4 करोड़ 4.5 करोड़ के बीच के कलेक्शन आना काफी मार्वेलस कलेक्शन है। और इस तरह के कलेक्शंस को देखकर यही कहा जा रहा है कि भाई फिल्म नहीं, तबाही है तबाही।